दोस्तों, फार्मेसी एजुकेशन की सीरीज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर के आए एक नया टॉपिक। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक के बारे में डिटेल में। ईच एंड एवरी थिंग्स विल बी गेट क्लियर्ड। एंड आप इस टॉपिक को बार बार देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल प्रैक्टिस आप ज़्यादा जल्दी ग्रैब करते हैं अपने माइंड में किसी भी कंटेंट को, किसी भी टॉपिक को। और कितना ही मुश्किल वो टॉपिक हो, आपको रिवाइज करने में इजी रहता है और एग्जाम्स में आप ज़्यादा क्वेश्चंस क्रैक कर पाते हैं, ऐसे में आप स्कोर करते हैं ज़्यादा बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन, एंड आई होप कि आपको हमारी बाकी पुरानी वीडियोज भी काफ़ी अच्छी लगी होंगी। और इस सीरीज में जो एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ गुड वन एंड दैट इज़ अप टू योर बेंच मार्क्स। कोई भी आपको आपके पास सजेशन है हमारे लिए, कोई भी आप ओके टिप्स हमें देना चाहते हैं, कोई भी कमी आप निकालना चाहते हैं, ओके एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू नोटिस्ड इन आर वीडियोस, सो आप उनको हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सजेशन है तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपके पास कोई टिप्स है तो हम उसको फॉलो करेंगे, और हमने कोई मिस्टेक किया है लास्ट वीडियो में तो हम उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, विच इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल ऑरिजिन्स। ड्रग इज अ यू नो मेडिसिनल और यू नो केमिकल सब्सटेंस वी कैन से विच हैज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, कब होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? व्हेन इट इज इंजेस्टेड या फिर एडमिनिस्टर्ड, समझ गए आप? व्हेन इट इज इंजेस्टेड या फिर एडमिनिस्टर्ड, और इसको यूज कर सकते हैं वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी। किसी भी रूट से इंट्रोड्यूस की जाए तब उसका एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है, तो उस केमिकल सब्सटेंस या मेडिसिनल सब्सटेंस को कहते हैं ड्रग। सो कुछ नेचुरल ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल ऑरिजिन से मिलती हैं। जैसे हमें किन से मिलती है नेचुरल ऑरिजिन में क्या क्या आएगा, जैसे प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। सो ये हमारे नेचुरल ऑरिजिन होते हैं। सो प्लांट से मिलने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो नेचुरल ड्रग्स, उनके बाग से मिलती है, उनके लीव से मिलती है, ऐसे एनिमल से या उनके पार्ट से मिलती है, या प्लांट से डिराइव्ड होने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो हमें नेचुरल सोर्स, नेचुरल ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स कहलाई जाती हैं। और जो एनिमल ऑरिजिन से या उनके एनिमल के पार्ट से हमें मिलती है हम नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग बोलते हैं, यानी कि क्रूड ड्रग बोलते हैं। एंड दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर दी व्हाट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज, एनी डिजीज। ओके, दीज ड्रग्स आर यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। सो और ये ड्रग्स जो नेचुरल अकरिंग ड्रग्स होती हैं, क्रूड ड्रग्स होती हैं, इनको इनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, यानी कि रॉ फॉर्म में ही यूज किया जाता है। सो मैक्सिमम रॉ फॉर्म में जो यूज होती हैं ड्रग्स वो नेचुरल ऑरिजिन की ड्रग्स ही होती हैं, और इन क्रूड ड्रग्स का हम रॉ फॉर्म में यूज करते हैं एक्सेप्ट ड्राइंग और साइज रिडक्शन, क्योंकि वेट कंडीशन में होती है या मॉइस्ट कंडीशन में होती है, उनको ड्राई करते हैं और या फिर उनका साइज रिड्यूस करने के बाद, अगर कोई बड़ा साइज में है तो उसका साइज छोटा छोटा करके रिड्यूस करके हम इस रॉ फॉर्म में इनको यूज करते हैं। नाउ सी फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली हम कहते हैं जब किसी ड्रग को उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है ताकि उसमें किसी भी तरह की एडल्ट्रेंट ना हो, उसमें किसी तरह का मॉइस्चर ना हो, या उसमें किसी भी तरह का कोई और फॉरेन मटेरियल ना हो। तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं विच वी हैव टू अडेयर अपॉन। ओके, सो उन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है ड्रग्स की, इसी को कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल करना, टू मेंटेन दी क्वालिटी ऑफ ड्रग या फिर प्रोडक्ट, ये आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ हैव यू सीन दिस वर्ड क्वालिटी? सो व्हाट दिस क्वालिटी डिटरमाइंस इज, ये क्वालिटी क्या बताता है? क्वालिटी वर्ड मींस कि उस ड्रग का स्टेटस क्या है। स्टेटस मींस उस ड्रग के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितने अमाउंट में अवेलेबल है। सो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस ड्रग के अंदर अवेलेबल है, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट कितना ज़्यादा है। ओके, इफ इट इज कितने ज़्यादा है, यानी कि उसका अमाउंट, उसका अमाउंट क्या है और कितनी क्वांटिटी में है, या फिर उसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है या कोई मिलावट तो नहीं है। सो दैट इज़ वट वी कॉल इज
क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ दैट ड्रग। और क्वालिटी को मेजर करते कैसे हैं, क्वालिटी को मेजर करते हैं उसके इवेल्युएशन से, यानी कि इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो, उनको मेजर करने के लिए हम चेक करते हैं उसके इवेल्युएशन से। सो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज रिक्वायर्ड टू मेजर दी द स्टेटस ऑफ क्रूड ड्रग एंड दी अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्रूड ड्रग। नाउ व्हाट द नेक्स्ट टर्म इज इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन इज, आई जस्ट टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया था कि इवेल्युएशन कैसे करते हैं ड्रग का, इवेल्युएशन करते हैं उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ दैट ड्रग। सो किस किस बेसिस पे करते हैं, आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी, राइट। सो किसी भी ड्रग को इवेल्युएट किया जाता है उसकी आइडेंटिटी, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे एंड प्योरिटी। सो दीज थ्री फैक्टर्स आर देयर। तो आप इसको याद रख सकते हैं आई क्यू, आई क्यू तो आपको पता ही, आई क्यू याद रहेगा, एंड देन पी ऑल्सो, क्यू से पहले आता है पी, या फिर आई पी क्यू भी इसको याद रख सकते हैं आप, ओके, आई क्यू पी, ये ज़्यादा ईजी है, आई क्यू पी से आप याद रख सकते हैं इवेल्युएशन कैसे करना ड्रग का, आई क्यू पी से, यानी आइडेंटिटी उसकी, उसकी क्वालिटी और उसकी प्योरिटी। अब आइए देखते हैं कि इनको इन डिटेल में देखते हैं कि आई क्यू पी क्या होता है, ओके। नाउ ड्रग इवेल्युएशन में, यानी कि ड्रग की जांच करने में, किसी भी क्रूड ड्रग की जांच करने में ये तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर में आइडेंटिटी क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली आइडेंटिटी व्हाट इट टर्म्स, व्हाट इट रेफर्स टू इज आइडेंटिफिकेशन। सो किसी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करना कि वेदर इट इज फ्रॉम विच बायोलॉजिकल सोर्स, या फिर एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स से मिली भी है या नहीं है। सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आप किसी भी एक शॉप पे गए, ओके, किसी कपड़े खरीदने के लिए कि शॉप पे गए, यहाँ पे हम कपड़े की दुकान नहीं खोल रहे हैं, ओके, कभी आप बोलो कि ये बीच में फार्मेसी के लेक्चर के बीच में कपड़े की दुकान कैसे खुल गई। सो सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जल्दी से, सपोज हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, वहाँ कपड़ा देखते हैं, उसकी पहले आइडेंटिटी करते हैं, ओके, आइडेंटिटी चेक करते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं कि वो सूती है, ओके, यानी कि कॉटन का है या कोई और मटेरियल का है, स्टफ़ क्या है उसका, ओके, स्टफ़ पहले चेक करते हैं, फिर हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि वो वाकई में उसमें मिक्स तो नहीं है, कहीं वो कपड़ा इलास्टिक टाइप का तो नहीं है, उसमें सिंथेटिक मिक्स तो नहीं है, ओके, इस तरह से हम क्वालिटी चेक करते हैं उसी का। इस सिमिलरली हम ड्रग्स का भी क्वालिटी चेक करते हैं, ओके, और फिर आता है प्योरिटी। सपोज कोई आप वूलन कपड़ा खरीद रहे हो, तो वहाँ पे आप यू विल चेक द प्योरिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो, वहाँ कपड़े में वूलन कितना है, जैसे हम कपड़े खरीदते टाइम चेक करते हैं, वही चीज़ें आपको, ये चीज़ें आपको याद रखने में बहुत ईजी रहेगी। कैसे आइडेंटिटी चेक करना, यानी वो कपड़ा कैसा है, ऐसी वो ड्रग कैसी है, वो एक्चुअल बायोलॉजिकल सोर्स से आई भी है कि नहीं, जैसे कपड़े हम चेक करते हैं कॉटन है कि नहीं है, क्वालिटी चेक करते हैं उसका, फिर प्योरिटी चेक करते हैं कि प्योर कितना है कपड़ा, कपड़े में मिलावट तो नहीं है, सिमिलरली ड्रग में मिलावट तो नहीं है, सेम दिखने वाली ड्रग्स इसमें मिला तो नहीं रखी हैं, उसकी भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, चेक करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। नाउ यू कैन सी हेयर दैट कि हम आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स का, ओके, कि वो ड्रग एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स से मिला भी है या नहीं है। सो सपोज हमें कोई एक फॉर्मुलेशन तैयार करना है, कोई एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन तैयार करना है, तो उस केस में हम सपोज एक नीम का लीफ लेते हैं, नीम का लीफ लेने के बाद हम चेक करेंगे कि वो वाकई में नीम का लीफ है या कोई और उसका मिलता जुलता कोई और वैरायटी तो नहीं है, कोई और स्पीसीज तो नहीं है, कोई और फैमिली का लीफ तो नहीं है। सो एग्जैक्टली एग्जैक्ट बायोलॉजिकल सोर्स हम इसमें चेक करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। सो क्वालिटी में हम क्या चेक करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ थेरापेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके, किसी भी ड्रग में विच इज़ अवेलेबल, विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ऑरिजिन, उसके अंदर थेरापेटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, ओके, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये डिपेंड करता है ड्रग टू ड्रग, वेरी करता है ड्रग टू ड्रग, बिकॉज थेरापेटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जितना ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी, उतनी ही बेहतर वो ड्रग मानी जाएगी, क्योंकि दीज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैंने आपको बताया था, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, येस। सो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये भी आप पॉइंट ज़रूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए काम आते हैं। इसलिए किसी भी ड्रग की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, जैसे हम दूध की क्वालिटी चेक करते हैं कैसे, फैट से, ओके, ये बेहतर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम से याद हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो किसी भी दूध की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर कितना फैट है, फैट ही तो एक मेजर सोर्स है दूध का,
ओके फैट मतलब उसके अंदर घी कितना निकलता है, तो एक छोटा सा केमिकल उसमें डालते हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डालते ही फैट अलग हो जाता है और दूध का पानी अलग हो जाता है। 100 ml दूध में कितना फैट आता है उसके हिसाब से परसेंटेज निकाला जाता है फैट का, उसी हिसाब से क्वालिटी मेजर की जाती है दूध की। सिमिलरली ड्रग की भी कंसंट्रेशन ऑफ थेरापेटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। और क्यों चेक किया जाता है, क्या जरूरत पड़ जाती है इसे चेक करने की? आपको पता है सब ड्रग का नेचर डिफरेंट होता है, सब ड्रग डिफरेंट तरीके से कल्टीवेट होती है, कल्टीवेट किया जाता है, उनको स्टोरेज किया जाता है, ओके उनको डिराइव किया जाता है। इसमें एक और फैक्टर ये भी आता है कि जैसे हम किसी भी ड्रग को किस तरीके से कुछ प्लांट से, कोई भी एक मेडिसिनल प्लांट है उससे हम किस तरह से कल्टीवेट कर रहे हैं, ओके इस तरह से उसको कलेक्ट किया जा रहा है, किस कंडीशन में कलेक्ट किया जा रहा है एंड स्टोरेज किस कंडीशन में होता है। सो उन सब पे डिपेंड करता है उसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा, गलत टाइम पे कल्टीवेट किया जाएगा और गलत तरीके से उसका स्टोरेज किया जाएगा, भंडारण जो किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा वेरी कर देता है उसके अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो उसमें डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स में ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्योरिटी। सो प्योरिटी व्हाट इट रेफर्स इज द प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल इन टू दैट ड्रग। So presence of any kind of foreign material into that drug that refers to the is its the purity. Foreign material किसी भी तरीके का हो सकता है, foreign material could be an organic type या फिर inorganic type भी हो सकता है, okay ये this is O, organic और inorganic type का भी foreign material हो सकता है। So कोई भी drug को purity आप समझ गए ना एक ही line में, क्योंकि उसको ज़्यादा explain करने की ज़रूरत है नहीं, because purity it refers to the presence of any kind of foreign material whether it is organic origin या फिर inorganic origin का होता है, and that is also the safety standards of any kind of drug also. After this we will study about the evaluation of crude drug. Okay, evaluation of crude drug क्या क्या method इसमें हम utilize करते हैं और किस किस तरीके से evaluate किया जाता है crude drug को। So first is organoleptic method. So इसको rub कर देते हैं, यहाँ से start करते हैं। So friends, here are the evaluation methods of crude drugs. Okay, evaluation मैंने आपको बता दिया है कि आप फिर से जा करके देख लीजिए, अगर थोड़ा सा नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइज कर लीजिए उसको। और evaluation किन तरीकों से करते हैं देखिए, organoleptic method होता है, second is microscopic method होता है, third is physical method होता है, fourth one is chemical method होता है, and fifth one is biological method होता है, OMPCB या फिर आप इसको याद कर सकते हैं OCBMP, ओके OCBMP। सो किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। सो देखते हैं कि ऑर्गेनोलेप्टिक जैसे क्या होता है कि सेंसरी ऑर्गन से हम जैसे टच करते हैं, सपोज आप टच करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं किसी भी ड्रग्स के बारे में, ओके उसके कलर के बारे, कलर को देख करके उसका पता लगाते हैं, उसके सुगंध यानी उसका जो ऑर्डर होता है ODOUR ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसकी सुगंध कैसी आ रही है उसको देख करके पता लगाते हैं, दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल मेथड आल्सो। नाउ ऑर्गेनोलेप्टिक और मॉर्फोलॉजिकल मेथड में क्या आता है, जैसे हम इसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं किस तरीके से, सेंस ऑर्गन से। सो व्हेनेवर वी आर आइडेंटिफाइंग एनी ड्रग विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन मेथड। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, जैसे कि टेस्ट बर्ड्स, जैसे कि हमारे टेस्ट बर्ड्स हो गए, टच हो गया, ओके उसके ऑर्डर से करते हैं, उसकी सुगंध से, ओके और लास्ट इज उसके कलर से करते हैं। सो टच से करते हैं, टेस्ट करके करते हैं, ऑर्डर से करते हैं यानी उसके सुगंध से करते हैं एंड उसके कलर से करते हैं। सो दीज आर द सेंस ऑर्गन्स जिनकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, क्रूड ड्रग को, और इस मेथड को बोला जाता है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन मेथड। सो मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन होता है उसके ड्रग, किसी भी ड्रग के सिस्टमेटिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से, ओके सिस्टमेटिक जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब उसकी जो हम आई साइड से यानी कि हम एक बार उनको देख करके उसको चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उनकी शेप साइज एंड कुछ भी स्पेसिफिक कैरेक्टर, ओके कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर शेप साइज या कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर उनको देख करके विजुलाइज करके बेसिकली उनकी मॉर्फोलॉजी को चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि इवेल्युएशन मेथड में ऑर्गेनोलेप्टिक जो है और जो मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन है दैट यू नो दैट रेफर्स टू व्हाट,
ऑर्गेनोलेप्टिक तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो प्लांट के पार्ट से डिराइव होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो प्लांट के पार्ट्स से डिराइव होती हैं उनको हम सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से, जैसे कि उसका टेस्ट हो गया, तो टेस्ट, टच, ऑर्डर या कलर, इन सब से के तरीक़ों से हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को इवेलुएट करते हैं। और जो भी ऑर्गेनाइज्ड जो ड्रग होती हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, ओके लीव्स हो गए, उसके प्लांट्स के फ्लावर्स हो गए, किसी भी प्लांट के आपके फ्रूट्स हो गए, उनकी हेल्प से हम चेक करते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ, मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ एनी क्रूड ड्रग। व्हाई इट इज़ नीडेड टू चेक द एडल्ट्रेशन इन टू द क्रूड ड्रग, एडल्ट्रेशन क्रूड ड्रग की देखने के लिए व्हाई, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाई। और ये बेसिकली जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पे कलर, ओके देन शेप, ओके सो कलर में सपोज जैसे कार्डमम हमने लिया, कार्डमम को अगर हम जैसे शेड में अगर उसको ड्राई करते हैं, शेड मतलब छांव में हम ड्राई करते हैं, सो उसका कलर रहता है ग्रीन, ओके अगर उसी कार्डमम को हम जैसे सनलाइट के अंदर ड्राई करते हैं सो दैट बिकम्स लिटिल बिट येलो। सो यहाँ पे जैसे हम अगर हम शेप की बात करें तो शेप के अंदर जो सर्पगंधा का जो रूट होता है, जो जड़ होती है सर्पगंधा की, दैट इज इन टू द वेवी फॉर्म होती है। सो शेप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज ऑफ सर्पगंधा या फिर कोई और प्लांट का सब्सटेंस तो नहीं है, कोई और प्लांट की ड्रग तो नहीं है, कोई और मिक्स अडल्ट्रेंट तो नहीं है। सो यहाँ पे अडल्ट्रेशन हम चेक कर सकते हैं शेप से भी, अगर वो वेवी फॉर्म में है तो सर्पगंधा का रूट है, अगर वो डिस्क फॉर्म में है तो नक्स वॉमिका का सीड है। ये मैंने एग्जांपल लिए हैं दोनों। सो अगर डिस्क शेप में आपको मिलता है तो नक्स वॉमिका के सीड डिस्क शेप में होते हैं, अगर उसमें कोई और मिलावट है तो आप चेक कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ शेप। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपने डिस्क इसके बाद देखा वेवी एंड डिस्क के बाद देखा, थर्ड थिंग इज टेस्ट। टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं है ड्रग में। टेस्ट इज रेफर्स टू व्हाट, स्वीट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है या फिर पंजेंट टेस्ट होता है। स्वीट टेस्ट के केस में हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है लिकोराइस, विच इज इजी आल्सो टू लर्न और टू रिमेंबर आल्सो। एंड बिटर टेस्ट में आता है हमारा चिराटा, चिराटा का अगर की बात करें तो बिटर टेस्ट है, उसको खा करके देखेंगे तो बिटर टेस्ट लगेगा, दैट विल बी चिराटा। सो अगर कैप्सिकम का कोई सीड है तो दैट विल बी टेस्टेड एज अ पंजेंट टेस्ट देगा कैप्सिकम का सीड। तो बेसिकली एक एक एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा है, और आप स्वीट एंड बिटर भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, दो टू आर सफिशिएंट। जैसे यहाँ पे मैंने टू एग्जांपल लिए, कलर में हमने यहाँ ग्रीन और पेल ग्रीन हमने ले लिया दोनों, ओके और सिमिलरली आप यहाँ पे भी दो एग्जांपल ले सकते हैं स्वीट एंड बिटर का ले सकते हैं, एक मीठा और एक कड़वा, ओके लिकोराइस गिव्स द स्वीट टेस्ट एंड चिराटा विल गिव द बिटर टेस्ट। सो नेक्स्ट मेथड इज ऑर्डर। सो ऑर्डर के ऑर्डर से भी, यानी कि उसके सुगंध से भी हम उसके एडल्ट्रेशन का पता लगा सकते हैं। सो जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एरोमेटिक ऑर्डर में, एरोमेटिक जिसकी सुगंध होती है उसमें मेंथा आता है, क्लोव आता है, इन दोनों की एरोमेटिक ऑर्डर होती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का ड्रग है। जैसे अगर हम बात करें टर्मरिक की तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ओके विद दी हेल्प ऑफ करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ टर्मरिक वी कैन आइडेंटिफाई कि ये टर्मरिक है या फिर कोई और ड्रग है। सो दीज आर द मेथड्स। सो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज द क्वालिटी एंड हाउ वी इवेलुएट द ड्रग्स विद दी हेल्प ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक या फिर मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम, ओके हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विद दी हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई विद दी हेल्प ऑफ शेप साइज एंड स्पेसिफिक characteristics and why it is required to do both these kind of evaluation to check the adulteration। और अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो को दो में डिवाइड करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक evaluation, फिजिकल evaluation एंड केमिकल evaluation एंड फाइनली बायोलॉजिकल evaluation। सो आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और साथ में आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल से आपको जाननी है, तो हम उसके बारे में भी वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें इसको अपने वीडियो दोस्तों के साथ, साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इसमें क्या सेक्शन सबसे अच्छा लगा, और किसी तरह की सजेशन आपके पास है तो वो भी आप हमें बताएं। आपके सजेशंस को इंक्लूड करके हम वीडियो को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और आपके योगदान से ही अपकमिंग वीडियो, जो फ्यूचर में अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं, वो और बेहतर बनाए जा सकेंगे दोस्तों। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग, ओके विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस,
एंड प्लीज हिट द थम्स अप बटन, शेयर दिस वीडियो, दिस शेयर दिस कंटेंट विद योर बैचमेट्स, स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी सजेशंस अबाउट आवर वीडियोज. विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट देन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.